थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 8 गोवंश और एक पिकअप गाड़ी 20 लीटर हथकड़ शराब को किया जब्त। गौ तस्कर मौके से हुए फरार। डीग में गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में आए दिन गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां खो थाना पुलिस ने गोवंश से भरी एक पिकअप व 20 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की है। इधर खो थाना प्रभारी धारा सिंह ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि खो थाना क्षेत्र अंतर्गत निगोही गांव की नहर के पास से गोवंश से भरी एक पिकअप आ रही थी, जिस पर SHO धारा सिंह के निर्देश पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही आरोपी नहर के पास अपनी पिकअप गाड़ी गोवंश से भरी हुई पिकअप को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वही पिकअप में 8 गोवंश के साथ ही 20 लीटर अवैध रूप से ले जाई जा रही थी कच्ची शराब को पुलिस ने जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही पुलिस ने अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व में खो थाना सक्रिय रहा है, लेकिन गौ तस्करों के हौसले बुलंद है। गौ तस्करों की दर्जनों गाड़ी जब्त की है, उनके खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है, लेकिन गौ तस्कर है रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सूचना मिली थी कि पानोरी से खो की तरफ आने वाली नहर से गौ तस्कर गायों को लेकर के निकलते हैं, जिस पर आज रात्रि को निगोही के पास में नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी सुबह करीब 5 बजे एक पिकअप पानोरी की तरफ से आती दिखाई देगी, जो पुलिस को बावर्दी व पुलिस की गाड़ी को देख करके पहले ही पिकअप को छोड़ के वो तस्कर सरसों के खेतों में भाग गए। पिकअप को जब्त किया गया है, चेक किया गया पिकअप में तो उसमें 8 गोवंश व 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब मिली। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।